गाइस स्वागत है फिर से आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज किस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं टैगोर हिल घूमने के लिए। अभी अभी हम लोग क्लास खत्म हुआ है, एक्चुअली हम लोग पहला पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा पीरियड था हम लोग का सॉफ्ट स्किल का, जो कि हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़ाई होता नहीं है, बस सर आते हैं और कुछ कुछ बताते हैं लाइफ लेसन्स के बारे में, बट हम लोग लाइफ लेसन को खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, है कि नहीं मनीष? बिल्कुल। क्या बोलना चाहते हैं इसमें आप? हम खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग जाने वाले हैं आज टैगोर हिल अपने दोस्तों के साथ। ये है बाकी सब फ्रेंड्स, एक फ्रेंड हमारा कैमरा पकड़ा है जितेंद्र और एक है उज्जवल। उज्जवल इधर है। तो गाइस हम लोग का प्लान था जाने का टैगोर हिल, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं धुरवा डैम क्योंकि उधर पे हम लोग पिकनिक मनाने का प्लान है, वहाँ जाके कुछ बना के खाएंगे। वहाँ पे हम लोग का स्टेडियम है, मंदिर है और है एमएस धोनी का फार्म हाउस भी है और वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा भी है, तो रिंग रोड भी है, हाई कोर्ट भी है, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विधानसभा के पास और यहाँ हम लोग जा रहे हैं सामने में फोटो खिंचाने के लिए। गाड़ी जाने के लिए मना किया गया था इसलिए हम लोग गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दी है और जा रहे हैं पैदल पैदल सामने। देख सकते हैं गाइस कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सुकून लग रहा है, चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है। यहाँ पे अभी हम लोग का फोटो शूट चल रहा है बहुत ज़्यादा, एक मॉडल खड़ा हुआ है सुपरस्टार महेंद्र कुमार, हमारा एक फोटोग्राफर है, ये भी फोटोग्राफर देखिए पूरा झुकझुक के ले रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धुरवा डैम, जैसे कि आप ये देख सकते हो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी है। तो यहां पर ऑलमोस्ट एक घंटे तक फोटोशूट और रिलैक्स करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपना पेट पूजा करने के लिए। हम लोग खा पी लिए अच्छा से, अब जा रहे हैं अपने घर के ओर। मनीष जाएगा नहीं, मैं मनीष जाऊंगा अपने घर, बाकी दोबारा जाएंगे कॉलेज की तरफ क्योंकि सबका घर कॉलेज की तरफ ही है, सब लॉज वॉज में रहते हैं वहाँ पे कॉलेज के पास 2 मिनट की दूरी में। बस सुबह सुबह मेरे को जाने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, फोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं गोप्रो ना, गोप्रो नहीं है लेकिन फिर भी देखो कितना बढ़िया मोटो व्लॉगिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पीछे से मेरा दोस्त मनीष पकड़ा हुआ है कैमरा मेरे मुंह के पास, ऐसा दोस्त होना चाहिए नहीं, आराम से बिल्कुल एकदम बिना कैमरा का, मतलब बिना गोप्रो का, गोप्रो वाला सिस्टम मिल रहा है हम लोग को। गाइस दो गाय आ रहे हैं, एक वाइट है एक ब्राउन है, एक नाम है मंगरा एक नाम है बुधवा। क्या नामकरण किया है, मस्त नाम है ना। बस मंगरा वो आज का दिन पैदा हुआ था ना, आज सोमवार है इसलिए इसका नाम मंगरा है, और बुधवा है वो बुधवार को पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम बुधवा है। अब आप सोच रहे हैं कि सोमवार को पैदा सोमरा नाम होना चाहिए ना, लेकिन उसका नाम सोमरा नहीं, इसका नाम मंगरा ही है क्योंकि उसका एक दिन बाद का नाम दिया है क्योंकि उसका डिलीवरी होने में ना एक टाइम ज़्यादा लग गया था, उसका हाँ डिलीवरी होना था संडे को, रात को हुआ था, रात को हुआ था मेन बात ना, इसीलिए 12 बज चुका था, तो ऐसे में तो फिर दिक्कत ना है जी, क्या बोलते हैं
सही थ्योरी है ना। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।